नमस्कार दोस्तों, आप सभी होमगार्ड जवानों का आपके अपने एजुकेशन और देश के सबसे तेज न्यूज़ वाले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि चैनल के द्वारा आपको रोजाना होमगार्ड से संबंधित आंगनवाड़ी और दोस्तों जो भी देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरें आती हैं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। भले ही फ्रेंड्स आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अपने स्टेट से जुड़ी प्रत्येक खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों आज हो चुकी हैं 2 अप्रैल 2020। आज की जो जरूरी ताज़ा खबरों की अपडेट है होमगार्ड से जुड़ी, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज की सबसे पहली अपडेट की ओर। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वाराणसी से हमें मिली है 29 मार्च 2020 का ये आदेश है। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा चैनल होमगार्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको प्रत्येक जो आदेश प्रत्येक खबर आती है उनसे आपको जो आपको देने के लिए हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेषित जिला कमांडेड होमगार्ड्स वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी। यहाँ पर देर का पत्र संख्या भी दे रखी है, दिनांक 1 अप्रैल 2004 से आगामी 2 माह तक होमगार्ड्स को ड्यूटी पर प्रतिस्थापित किए जाने संबंधित ये आदेश उपलब्ध कराए जाने के संबंध में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी अपडेट है कि कृपया आप अपने कार्यालय पत्रांक रीडर ASSP 22/2020 दिनांक मार्च 29/2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव नियंत्रण के दृष्टिगत लॉकडाउन के 100% क्रियान्वयन कराए जाने एवं पुलिस व्यवस्था को और सुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु दिनांक 1/4/2020 से आगामी 2 माह हेतु 500 पुरुष व 40 महिला होमगार्ड के अतिरिक्त रूप में ड्यूटी पर लगाए जाने की अपेक्षा की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब अप्रैल पूरा महीना लगेगी अब 540 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी। अस्तु महोदय से सादर अनुरोध है कि दिनांक 1/4/2020 से आगामी 2 माह हेतु 500 पुरुष एवं 40 महिला होमगार्ड अर्थात कुल 540 होमगार्ड की ड्यूटी प्रतिस्थापित सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाने के निमित्त जो ब्रेकअप उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा की गई है। यहाँ पर आप देखो शैलेंद्र प्रताप सिंह जिला कमांडेंट होमगार्ड्स वाराणसी के जो सिग्नेचर भी हो रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो होमगार्ड्स की ड्यूटी प्रतिस्थापित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया था वाराणसी से। और नेक्स्ट जो हमें आदेश मिला है दोस्तों, कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद वाराणसी से ही मिला है। दोस्तों यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी महोदय, कृपया सादर अवगत हैं कि जनपद की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु यातायात पुलिस लाइन वाराणसी प्रतिमा कुल 540 होमगार्ड जवान प्राप्त होते आ रहे हैं, परंतु आगामी माह अप्रैल हेतु यातायात पुलिस लाइन वाराणसी को जल्द ही जनपद की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सामान्य ड्यूटी से 150 अतिरिक्त ड्यूटी से 100 होमगार्ड जवान अर्थात मात्र कुल 250 होमगार्ड जवान ही प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में पूरा भारत देश COVID-19 कोरोना वायरस जैसे महामारी से जूझ रहे हैं, जिसमें जनता को बचाने के लिए जनपद के सभी चौराहों तिराहों पर कॉलोनियों के सामने तथा जनपद बॉर्डर आदि अन्य स्थानों पर ड्यूटी हेतु होमगार्ड जवानों की काफ़ी आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि यातायात पुलिस लाइन वाराणसी को जनपद की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आगामी माह अप्रैल के लिए 450 होमगार्ड जवानों के सापेक्ष 250 होमगार्ड जवान ही प्राप्त हुए, अतः महामारी की दृष्टिगत रखते हुए जनपद में 200 अतिरिक्त होमगार्ड जवान और प्रदान करने की कृपा की जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सो वाराणसी पुलिस अधीक्षक यातायात इनके सिग्नेचर हो रखे हैं। और नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप देख सो फ्रेंड्स, 31 मार्च 2020 को एक आदेश जारी हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किए जाने के संबंध में। दोस्तों बजट हो चुका है जारी, अब मिलेगा इनको बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी। दोस्तों बहुत ही जरूरी अपडेट है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखते रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। यहाँ पर देर का चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्नियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषय पत्र संख्या यहाँ पर देर की दिनांक 16 मार्च 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में मुझे एक कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनर्वियोग के माध्यम से रुपए यहाँ पर देर के 2,28,74,000
कि धनराशि निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिबंधों के अधीन संलग्न BM9 प्रपत्र ने के स्वीकृति प्रदान की जाती है। और इसमें दो तीन पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ दोस्तों, कि जिस मद में बचत दर्शाई गई है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी और पुनर्नियोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 तक ही किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह पूरा एक 4-5 पेज का एक शासनादेश है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो बजट मैनुअली का प्रसार है यहाँ पर देर का एक इंडेक्स के थ्रू धनराशि लाखों रुपए में पूरी अपडेट देगी। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सके पूरा पढ़ सकते हो। और जो तीसरा पेज इसमें दे रखा है वो समस्त जिला कमांडेड आहरण एवं वितरण अधिकारी होमगार्ड उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन की मानक मद में धनराशि का आवंटन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और तो दोस्तों ये थी आज की जो प्रमुख होमगार्ड से जुड़ी जो मुख्य खबरों की अपडेट। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।